रुको सही, रुको रुको, क्यों क्या हुआ क्या हुआ? अरे कुछ आदमी पहनो ना आप। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ग्राम शिकारी खेड़ा। तो दोस्तों इस वक्त हम जो वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा क्योंकि पानी काफ़ी बारिश हुई थी। किधर है? इसके अंदर घुसा था। हाँ, इसके अंदर। कितना बड़ा है? मैंने देखा इतना बड़ा बता रहा था। हाँ केक ले डंडो, काय के ले डंडो, मानर बगेगा नहीं, नहीं बगेगा। अरे इधर उधर चले जा, ध्यान रखने के लिए। नहीं 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 बगेगा। हां मानर जी, मानर लाड में बैठ गए इसके, तो वहां मिस्त्री से निकला इसकी वहां बहुत दिक्कत देख रही। बस दे दे, उसके अंदर ही डर लगती है हमें। हाँ तो आपका डर ही निकाल रहे हैं। डर निकालेंगे आपका। अरे रुको सही, रुको रुको, क्यों क्या हुआ क्या हुआ? अरे कुछ आदमी पहनो ना आप। मोबाइल में चलो ठीक है, बेफिक्र रहो तुम देखो खाली खड़े हो, बस देखो नजारा। तो दोस्तों आप यहाँ देखिए, आराम से जो है मॉनिटर लिजर्ड यानी कि गोयरा जो है बैठा हुआ है इस टंकी के अंदर, और ये एक स्प्रे बॉटल है जो खेतों में दवाई पेस्टिसाइड छींटने के लिए स्प्रे करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है, और इस टैंक के अंदर जो है यहाँ पर ये गोयरा आराम से बैठा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं। किसी के साथ में वो ये रहेगा, मुझे तो पकड़नी है। दिन से परेशान कर रहा था सर। हाँ भाई, दादी क्यों बताओ। तो दोस्तों अभी इसको थोड़ा सा सही तरीके से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी मचलते हैं और काफ़ी ताकत लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि काटने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहली बात तो इसमें जहर नहीं होता है, ठीक है, वरना ये फूंकता है, ना इससे अंधे होते हैं, कुछ भी नहीं होता है इससे। ये सब आपकी गलत फहमियाँ है। काटेगा तो जीव बचने के लिए काटता है, लेकिन इसमें जहर नहीं होता है। आप तो डर से मर जाते हैं। मनक जो है डर से मर जाते हैं। चलो इसको मैं फूंक मार देता हूँ। तो दोस्तों आप देखा कि यहाँ के गांव के लोगों में काफ़ी डर है, और इस वक्त मैं इसको आंखों के सामने ला रहा हूँ तो इनको ऐसा डर लग रहा है कि फूंक देता है तो अंधे हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। और आपको हर बार हर वीडियो में हम ये बात जानकारी देते हैं कि गोयरा जो होता है वो विषैला और जहरीला नहीं होता, लेकिन इंसान का डर जो है इसे विषैला और जहरीला बनाता है, और साथ ही साथ इसे मारने की कोशिश की जाती है। और काफ़ी अच्छी साइज़ में ये आप देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा हम एक तरफ चलते हैं और फिर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कीचड़ है, तो थोड़ा सा हम सूखी जगह पर चलते हैं। तो दोस्तों आज हम आए थे ग्राम शिकारी खेड़ा, हम आए थे आज ग्राम शिकारी खेड़ा, और
हमारे सामने सर हैं, इन्होंने हमें कॉल किया था। सर आपका एक बार जोर से नाम बता दो। तूफान सिंह। तो तूफान सिंह सर हैं, इन्होंने हमें कॉल किया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ गांव के अंदर इतना डर बना हुआ है और भारत में ना जाने कहाँ कहाँ पर, कितने जगहों पर, कितने राज्यों में ये चीज़ आज भी डर का हिस्सा बनी हुई है कि जो गोयरा होता है, जो मॉनिटर लिजर्ड होता है, अगर ये काट लेता है तो 5 मिनट में इंसान की मौत हो जाती है, और अगर ये फूंक देता है तो फूंकने से आंखें अंधी हो जाती है, इसके ऊपर आकाशीय बिजली गिरती है। लेकिन दोस्तों हम आपको हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं कि ना तो ये विषैला होता है, ना ये जहरीला होता है, और ना ही इसके ऊपर कोई आकाशीय बिजली गिरती है, ना ही इसके काटने से, हाँ मौत हो सकती है। उसका कारण सिर्फ जो होता है वो सिर्फ डर होता है, क्योंकि लोग इससे काफ़ी भयभीत होते हैं, काफ़ी डरते हैं। लेकिन आपको हम पास से दिखाते हैं एक बार इस जीव को, क्योंकि हर वीडियो में हम पकड़ने के बाद आपको पास से दिखाते जरूर हैं। तो अच्छी साइज़ में है, और यहाँ गांव में जब मैं इसको रेस्क्यू कर रहा था, रेस्क्यू करने के बावजूद भी इन लोगों में इतना डर बना हुआ था कि आप इसको आँखों से दूर रखिए, इसे अपने से दूर रखिए, क्योंकि ये बहुत जहरीला, बहुत ही विषैला जीव होता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है, हाँ इसके मुँह में काफ़ी सारे कीटाणु जरूर होते हैं, क्योंकि ये सड़ा गला मांस खाते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं और ये हर चीज़ को खा जाते हैं, हर चीज़ को पचा लेते हैं। तो दोस्तों इस कारण से जो है, अगर ये काटेगा गलती से, ऐसे ये काटते भी नहीं है, लेकिन गलती से अगर आपको बाइट भी कर लेगा तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं, कुछ ATS, कुछ टिटनस के इंजेक्शन, कुछ एंटीबायोटिक्स आप लें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन घबराहट अगर आपके मन में होगी तो आप निश्चित मौत के करीब जाएंगे। दोस्तों ये बिल्कुल भी विषैला और जहरीला नहीं होता, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसके मुंह के अंदर काफ़ी सारी लार होती है, और उस लार के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। और ये बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं, इनकी पकड़ इतनी ज़ोर से होती है कि ये काफ़ी देर तक छोड़ते नहीं हैं। तो लोगों में एक डर बना हुआ है, एक वहम है, एक भ्रांति है, और एक मिथ्या हमारे भारत देश में चली आ रही है कि इसमें काफ़ी विष और किसमें काफ़ी जहर होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जीव होता है। ये दिखने में खतरनाक होता है, लेकिन ये वास्तव में हम मनुष्यों से, हम इंसानों से काफ़ी डरता है, और हमारी मौजूदगी में तुरंत भागने की कोशिश करता है, हमारे सामने ये टिकता ही नहीं है। तो दोस्तों एक बार आपको पास से दिखाते हैं। तो दोस्तों भारत देश में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में इसे घोरपड़ कहा जाता है, बिहार में इसे विष खोपड़ा के नाम से जाना जाता है, और हमारे मध्य प्रदेश में इसे गोयरा गोह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको जार में पैक करते हैं और वापस अभी इसको प्रकृति में, जंगल के अंदर मुक्त कर दिया जाएगा। उसके ऊपर से रोशनी हटाओ।